नवी मुंबई मनपा परिवहन उपक्रम के 1200 ठेका कर्मचारी परमानेंट होने वाले हैं। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा की पहल पर आयुक्त अभिजीत बांगर ने सभी कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रस्ताव तैयार किया है। आज हुई मुलाकात में शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने इस पर शीघ्र निर्णय की मांग की है। 2007 से यह मामला लंबित पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नवी मुंबई मनपा परिवहन के 1200 कर्मचारी परमानेंट वर्कर बन जाएंगे। आज महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात में शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने इस मुद्दे को उठाते हुए शीघ्र निर्णय की मांग की। बताया जा रहा है कि 2007 से ही NMMT के 1200 कर्मचारियों को परमानेंट करने का मामला उलझा हुआ है। शिवसेना की पहल पर इनमें से तकरीबन 40 कर्मचारी परमानेंट किए जा चुके हैं। बाकी कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग पर जोर देते हुए आज शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने आयुक्त से समाधान की अपील की। कर्मचारियों ने भी मुद्दा उठाया। शिवसेना नेता ने आयुक्त के हवाले से बताया कि परिवहन कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रस्ताव नगर विकास मंत्री को भेजा गया है और जल्द निर्णय की उम्मीद है। हम लोगों ने 40 लोगों को रेगुलराइज किया है, उसी धरती पे परमानेंट करने के लिए हम लोगों ने पत्र दिया था पालक मंत्री को और पालक मंत्री साहब ने उसके ऊपर प्रस्ताव भेजो करके बोला है। आज उसके ऊपर फिर चर्चा हुई, 15 दिन पहले चर्चा हुई थी तो उन्होंने बोला कि एक हफ्ते के अंदर ये प्रस्ताव हम शासन को भेजेंगे। वैसा ही MPW का है, वैसे ठोक पगार पे जो शिक्षक काम करते उनका भी है। जाहिर है इस आश्वासन के बाद मनपा परिवहन कर्मियों ने खुशी जताई और शिवसेना नेता के प्रति आभार भी जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।